एडिशनल सीपी डीएस चौहान और डीसीपी गजराव भोपाल ने शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद चेक पोस्टों का अचानक दौरा किया और वहां पर पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर एडिशनल सीपी डीएस चौहान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आवाम से गुजारिश की जाती है कि वो 1 बजे ही अपने दुकानात बंद करते हुए घरों को वापस चले जाएं और 2 बजे के बाद अगर कोई भी शख्स नजर आता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले ही हुकूमत ने लॉकडाउन के रिलैक्सेशन औकात में तौसीह करते हुए सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक वक्त दिया है, जिसमें आवाम अपनी जरूरी अशिया की खरीदारी कर लें और लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर ना निकले। इस दौरान उन्होंने मजीद ये भी कहा कि आवाम की जानिब से अच्छा खासा ताउन मिल रहा है और उम्मीद की जाती है कि आगे भी आवाम इसी तरह पुलिस और हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। अभी शहरियों से मेरी अपील है कि जितने अच्छी तरीके से एक अच्छी मिसाल देके अभी तक लॉकडाउन का अमल करते आए हैं आप लोग, अब तो और ज्यादा रिलैक्सेशन मिल गया है। जो पहले 6 से 10 था, अब 6 से 1 हो गया है। 1 बजे शॉप बंद होनी है, उसके बाद 1 घंटा पूरा आपके पास में अपने घर पहुंचने के लिए है। तो मेरा आपसे गुजारिश ये है कि मेहरबानी करके 2 बजे निकलना शुरू मत कीजिए रोड से। 1 बजे जो बिज़नेस है वो ख़त्म हो जाएगा, जो शॉप है वो बंद हो जाएगी। उसके बाद जो 1 घंटा दिया गया है आपको, वो आपके घर पहुँचने के लिए है। तो 2 बजे आप अपने घर पहुँच जाने चाहिए। 2 बजे के बाद 2:05 का भी कोई कंसेशन नहीं मिलेगा किसी को, क्योंकि 1 घंटे का कंसेशन ऑलरेडी सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। और हमने आज कई चेक पोस्ट विजिट किए हैं, डीसीपी साहब हमारे साथ हैं, गजराव भोपाल साहब, तो सब जगह इंस्ट्रक्शन है कि 2:01 पर गाड़ियां सीज होना शुरू हो जाएंगी। वैक्सीनेशन वाले जो हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन आता है, आप उन्हें दिखाइए। उन सब लोगों को कहा जा चुका है कि उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी जेन्युइन लोग हैं, पेशेंट हैं, मेडिकल सर्विसेज के एग्जम्प्टेड है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 2 बजे के बाद कोई भी किसी भी किस्म का गैर जरूरी मूवमेंट, और ख़ासतौर से कि घर जा रहे हैं शॉपिंग करके, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा फिर से एक बार आप लोगों से इल्तिजा है कि इस मामले में हम लोगों का ताउन करें। शुक्रिया। खासतौर पर पुराने शहर में लोग गाड़ी लेकर निकल रहे हैं और जितने चेक पोस्ट है साउथ जोन में, सारे चेक पोस्ट में पुलिस वाले अवेलेबल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग चल रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि हम जो लॉकडाउन की सख्ती कर रहे हैं, आपके औकात लॉकडाउन के सबब परेशान, रोजगार से महरूम, मदद मौशी के मुतलाशी शहरियों को कोरोना के कहर ने जहां उनकी कमर तोड़ दी है, अब बची कुची हिम्मत जुर्मानों से पूरी हो रही। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल के दावेदार पुलिस ने जुर्मानों से ताहाल 35 करोड़ के निशाने को अबूर कर दिया है। एक तरफ शहरियों में शौर बेदारी के नाम पर सड़कों को रंगा जा रहा तो दूसरी तरफ जुर्मानों से रंगोली खेली जा रही। शहर का दानिश्वर तबका इन दिनों माशी बदहाली का शिकार, अवाम और सरकारी तर्ज अमल पर तश्वीश का इजहार कर रहा और पुलिस के तर्ज अमल पर तश्वीश की जा रही। अहदे को बचाने सियासी कायदीन आकाओं को खुश करने जिस तरह इकदाम करते हैं और इल्जामात की परवाह नहीं करके आईन उसी फार्मूले पर पुलिस भी अमल के इल्जामात का सामना कर रही। हुकूमत को खुश करने अवाम के जज्बात की कोई परवाह नहीं की जा रही। ऐसे ही कुछ बातें इन दिनों समाज में गश्त कर रही हैं, ताकि मौजूदा अहदे पर मजीद कुछ अरसा बरकरारी के अलावा आइंदा बड़ी अहदे हासिल किए जा सके। शहर के कोतवाल हालिया इकदाम के बाद ऐसे ही इल्जामात और अवामी बरहमी के दायरे में है। शहर में शोर बेदारी के नाम पर सड़कों पर पेंटिंग को एक गोशे की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा और पेंटिंग पर खर्च को बेजा इस्तेमाल से ताबीर किया जा रहा। शहरियों की बड़ी तादाद लॉकडाउन और कोरोना के सबब माशी बदहाली का शिकार है और रोजगार से महरूम हो चुकी है। कल तक जो दुकानदार थे, अब वो मजदूरी पर मजबूर हो गए हैं। अखराजात की पाबजाई के लिए नरमी के औकात तलाश मौश में घरों से निकल रहे हैं और जुर्मानों की नजर हो रहे। इस बात से इनकार नहीं कि पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन गैर मामूली मुस्तैदी ने पुलिस को बदनाम भी किया है। लाठी का इस्तेमाल ना करने, रुस्वा ना करने और दिलसूजी ना करने के अहकाम नजरअंदाज किए जा रहे हैं। मजबूर शहरियों को पैर पड़ने पर मजबूर किया जा रहा और लाठी से जख्मी किया जाता है। एक तरफ मुस्तैदी तो दूसरी तरफ शोर बेदारी, सड़कों पर पेंटिंग रंगोली से शहरियों की जिंदगी को बपे रंग किया जा रहा। लॉकडाउन पर अमल के मामले में पुलिस बारह अवामी ताउन का इजहार कर चुकी है, लेकिन सख्ती के दौरान संगदिली का कोई जवाब नहीं, जो खुद पुलिस की साख और हुकाम बाला की काविशों पर कारी जर बन गया है। रोजगार
रोजगार से महरूम रोजी रोटी के लिए परेशान शहरियों को मुश्किल हालात में सहारा देने के बजाय उन पर जुर्मानों से जिंदगियों को अजरन करने के मुतरातिफ है। इन हालात में मुस्बित इकदाम से सेहतमंद समाज की ताबीर के लिए ठोस इकदाम की जरूरत है, जो परेशान हाल आवाम के लिए सहारा का सबब नहीं। इस दौरान इसके अलावा मौजम जाही मार्केट में ही ऐसा देखने को मिला, जहां पर पुलिस की जानिब से कोरोना वबा के शोर बेदारी के नाम पर मौजम जाही मार्केट की सड़क पर रंगोली के तहत कोरोना की पेंटिंग की गई और आवाम में शोर बेदार करने की जरूरत पर जोर दिया गया। इसके अलावा इस दौरान हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आवाम की जानिब से अच्छा खासा ताउन मिल रहा है, ताहम पुलिस चाहती है कि आवाम हुकूमत और पुलिस का आगे भी साथ दे और लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर ना निकले। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्टे होम स्टे सेफ के जिमन में हमारी जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जहां पर हम आवाम के बीच अवेयरनेस प्रोग्राम का अहतमाम कर रहे हैं। आज हैदराबाद सिटी पुलिस ट्रैफिक विंग और सेंट्रल जोन के तरफ से एक आर्टिस्ट राजन स्वामी के तरफ से एक ये मैसेज हिस्टोरिकल मौजम जाही मार्केट के सामने पेंटिंग के द्वारा सबको बताया, जिसमें कि पेंटिंग से ये मैसेज आ रहा है कि पूरे दुनिया में जो लोग अलर्ट नहीं हैं, जो लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, उनको ये कोरोना वायरस कितनी मुश्किल से बेरहमी से सता रहा है। ऐसे मौके पे आज एक बार फिर हम सबको अपील करते हैं कि घर के अंदर रहिए और कोरोना चेन के इन्फेक्शन को रोकिए। कंबाइंड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के पुराने हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब SP प्रसाद साहब भी आज हमारे बीच नहीं रहे, इस बात का हम लोग को बहुत तकलीफ बहुत गम है। उनकी वाइफ की हालत भी बहुत सीरियस है। मैं आप लोग से क्यों बता रहा हूँ ये कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत सीरियस माहौल है और इसीलिए घर के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। अभी भी हर दिन लगभग 8 से 9 हज़ार केसेस बुक हम लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो लॉकडाउन को ब्रेक करते हैं, यही वो 1% हैं जिनके कारण कोरोना आज भी जिंदा है। उनके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अगर वो शहर को सेफ चाहते हैं तो घर के अंदर रहें और कोरोना के इन्फेक्शन को रोकें। थैंक यू। फिल्म अदाकार सोनू सूद ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR को असली हीरो करार देते हुए कहा है कि आपकी क़ियादत में तेलंगाना तेजी से तरक्की कर रहा। नंद किशोर नामी एक शख्स ने इजहार तशक्कुर करते हुए KTR को एक ट्वीट किया, जिसमें बताया गया कि अपील करने के अंदरून 10 घंटे उन्हें ऑक्सीजन फराहम की गई। इस मदद को वो कभी भूल नहीं पाएंगे। तेलंगाना के अवाम के लिए मुसीबत के मौके पर मदद करते हुए KTR हकीकी सुपर हीरो का रोल अदा कर रहे। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बात बताई। इस ट्वीट का जवाब देते हुए KTR ने तहरीर किया कि वो एक अवामी मुंतखब नुमाइंदा है, उनसे जो कुछ हो सकता है वो कर रहे हैं। वो सुपर हीरो नहीं बल्कि आप सुपर फिल्म स्टार सोनू सूद को कह सकते हैं, जो दिन रात आवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। KTR के इस रद्द अमल पर फिल्म अदाकार सोनू सूद ने एक ट्वीट किया और रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा है कि तेलंगाना आवाम के लिए बहुत कुछ करने वाले आप ही हकीकी हीरो हैं। आपकी क़ियादत में रियासत तेलंगाना तेजी से तरक्की की तरफ गामजन है। मैं रियासत तेलंगाना को अपना दूसरा घर तसव्वुर कर रहा हूँ। गुज़िश्ता चंद सालों से तेलंगाना के अवाम मुझ पर मोहब्बत निछावर कर रहे। इस ट्वीट पर KTR ने सोनू सूद से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि आप जो काम कर रहे हैं वो काफी बड़ा है, करोड़ों अवाम के लिए आप मिसाल बन रहे। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की जानिब से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा। इस दौरान लॉकडाउन के औकात में गैर जरूरी बाहर फिरने वालों को पकड़कर आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल किया जा रहा और वहां पर उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा और अगर वो मुस्बित पाए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा। इस दौरान पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लॉकडाउन के औकात में पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी की जा रही और व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम भी मुनक्किद किया जा रहा। इस दौरान अवाम से गुजारिश की गई कि वो बिलावजह घरों से बाहर ना निकलें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाद अज़ा उन्होंने मज़ीद तफसीलात से भी मीडिया को वाकिफ करवाया।
तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी आईपीएस ने रजाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट नागुल चेक पोस्ट का दौरा करते हुए वहां का मुआयना किया और वहां पर तैनात पुलिस अफसरान से मुलाकात करते हुए उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाए और 2 बजे के बाद घरों से निकलने वाले बिलावजह बाहर घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर उनके हमरा सीपी रजाकुंडा एम महेश भागवत, आईपीएस एडिशनल सीपी रजाकुंडा सुधीर बाबू, डीसीपी एलवी नगर, डीसीपी ट्रैफिक और दीगर पुलिस अफसरान भी। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లాక్డౌన్ పకడ్బందీగా అమలు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఈరోజు హైదరాబాద్ సిటీలో లాక్డౌన్ పర్యవేక్షణ హైదరాబాద్లో వెస్ట్ ఈస్ట్ నార్త్ జోన్స్ అలాగే రాచకొండ కమిషనరేట్లో ఎల్బీ నగర్ జోన్లో పర్యటించడం జరిగింది. ప్రజలందరికీ మనవి, ఈ లాక్డౌన్ ప్రజల మంచి కొరకు, ప్రజల యొక్క హెల్త్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, కరోనా వైరస్ని మనం కట్టడి చేయడానికి ఉద్దేశించబడింది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేసి ఎవరు కూడా అనవసరంగా రోడ్ల మీదకి రావద్దు. రోడ్ల మీదకి వచ్చినట్లయితే వాళ్ళ వెహికల్స్ 100% సీజ్ చేయడం జరుగుతున్నది. సవరించిన నిబంధనల ప్రకారం ఉదయము 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 వరకు మాత్రమే ఈ షాపులు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఎవరు కూడా రోడ్ల మీద కనిపించకూడదు. 1 to 2 మధ్యలో వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి కూడా ఒక అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. 2 తర్వాత స్ట్రిక్ట్ లాక్డౌన్ ఎన్ఫోర్స్మెంటే కాకుండా ఈ లాక్డౌన్ వయలేట్ చేసే వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ మీద చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ గూడ్స్ వెహికల్స్ మూవ్మెంట్ కూడా రాత్రి 9 గంటల నుండి ఉదయం 11 గంటల వరకే పర్మిటెడ్. మిగతా టైంలో సిటీలో, హైదరాబాద్ సిటీలో ఎక్కడ కూడా ఈ గూడ్స్ వెహికల్స్ పర్మిట్ చేయబడవు. ఎవరైనా రోడ్ల మీదకి వస్తే వాటన్నిటిని కూడా సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంతోపాటుగా అంతర్రాష్ట్ర చెక్ పోస్టులు, అంతర్రాష్ట్ర మూవ్మెంట్ కూడా రెగ్యులేట్ చేస్తున్నాం. ఈ అంబులెన్స్లు పేషెంట్స్కి మాత్రం ఎలాంటి చర్యలు లేకుండా పర్మిట్ చేస్తూ, మిగతా వారి విషయంలో ఈ పాస్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రం కానీ లేదా సంబంధిత రాష్ట్రాల వాళ్ళు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ ఈ పాస్ను ఆనర్ చేసి పంపించడం జరుగుతున్నది. ప్రజలందరికీ మనవి, ఈ లాక్డౌన్ కట్టడిలో భాగస్వాములు అవ్వండి. రోడ్ల మీదకి ఏ పని లేకుండా రావద్దు. వచ్చినట్లయితే కఠినమైనటువంటి చర్యలు ఉంటాయని చెప్పేసి ప్రజలు మనం చేస్తున్నాం. రాష్ట్రమంతా పోలీస్ వ్యవస్థలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందరూ కష్టపడి ఈ లాక్డౌన్ని 100% సక్సెస్ చేయడానికి ఒక అపూర్ణిత దీక్షతో ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఇది 100% ప్రజల సహాయ సహకారంతో ఇది మన సక్సెస్ అవుతుంది, కరోనా కట్టడి అవుతుంది. అప్పుడు తద్వారా ప్రజా ఆరోగ్య భద్రత మెరుగవుతుంది. ప్రజలందరూ దీనికి సహకరించాలి అని చెప్పేసి నేను కోరుతున్నాను. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।